हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। वास्तु विकल्प के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं आशीष सिंह आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक विशेष कारण से। कारण ये है कि मैंने अक्सर देखा है आप लोग जब प्रॉपर्टी विजिट करने आते हैं, कोई साइट देखने आते हैं, तो आपका एक सवाल हमेशा रहता है प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। परंतु मैंने ये भी महसूस किया है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि रेरा एग्जैक्टली है क्या और क्या उसमें आपके लिए फ़ायदे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी विषय के ऊपर रहने वाला है। हम बहुत सिंपल, सरल और साधारण भाषा में ये समझने वाले हैं कि आखिर रेरा है क्या, क्यों ये अस्तित्व में आया था और क्या इसमें आप लोगों के लिए यानी प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेरा है क्या। दोस्तों रेरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, रियल इस्टेट को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बना था वो है रेरा। दोस्तों रियल इस्टेट सेक्टर इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें कोई स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, यानी सरकार की तरफ से कोई नियम कानून नहीं थे और ना ही कोई सरकारी संस्था थी ये सब देखने के लिए। तो जनरली होता क्या है, कंपनीज एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में काम करें और ग्राहकों को किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो उनके साथ, उसके लिए हर सेक्टर में गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। उदाहरण के तौर पर शेयर मार्केट में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई है, इंश्योरेंस सेक्टर में IRDA है, बैंकिंग सेक्टर में RBI है जो कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो उसका ध्यान रखती है। उसी प्रकार से अब रियल इस्टेट सेक्टर में रेरा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें रेरा की ज़रूरत पड़ी क्यों। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर दो प्रमुख वजह हैं जिसके कारण हमें रेरा की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला और बड़ा कारण है पोजीशन में डिले होना। दोस्तों 2016 के पहले यानी रेरा आने से पहले जब रियल इस्टेट सेक्टर ग्रो कर रहा था, प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी और बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट में कस्टमरों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग स्टेज पे बुकिंग हो रही थी, तो हुआ क्या कि बिल्डरों ने वो पैसा अपना कंस्ट्रक्शन में ना यूज़ करके उस पैसे को दूसरे बिजनेस में या दूसरी लैंड एक्वायर में यूज़ कर लिया, जिसके कारण पैसा जो मेन प्रोजेक्ट से आया था उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में नहीं लगा और पोजीशन में डिले होने लगा। इनफैक्ट मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स या बिल्डर्स को जानता हूँ जिनका तो आज तक पोजीशन भी नहीं हुआ है। और दूसरा बड़ा कारण था बायर और सेलर का एग्रीमेंट। यानी कि 2016 के पहले दोस्तों यदि आपने या आपके परिवार में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उन एग्रीमेंट को पढ़ के देखिएगा, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बिल्डर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो पहले इतना बायस्ड होता था, लिटरली इतना बायस्ड होता था, ऐसा लगता था जैसे बिल्डर का पोजीशन देने का या प्रोजेक्ट हैंडओवर करने का कोई विचार ही नहीं है। वो एग्रीमेंट इतने एक तरफा रहते थे और सिर्फ बिल्डर के पक्ष के रहते थे कि उसमें कस्टमर के फेवर की कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं की जाती थी। और बिल्डर की इन्हीं संबंध मर्जियों को रोकने के लिए और इनका अंत करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए और उन नियम कानून का उल्लंघन ना हो इसलिए रेरा एक्ट अस्तित्व में आया। तो बेसिकली देखा जाए तो रेरा का उद्देश्य था कि रियल इस्टेट में होने वाला हर काम, हर ट्रांजैक्शन में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। अब हम बात कर लेते हैं रियल इस्टेट के क्या फ़ायदे हैं, यानी इन जनरल आप लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए रियल इस्टेट में क्या फ़ायदे हैं। तो रेरा का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है टाइमली पोजीशन। यानी रेरा आने का जो मुख्य कारण था, जाहिर सी बात है वही रेरा का सबसे बड़ा फ़ायदा है, अब ग्राहकों को पोजीशन टाइम पर मिलने लगा है। दोस्तों जनरली जब कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लाता है तो उसको रेरा अप्रूवल के लिए फाइल देनी पड़ती है रेरा में, और वहाँ उसको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो कितने टाइम फ्रेम में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। 2 साल 3 साल 5 साल जो भी टाइम बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगेगा वो उसको वहाँ रेरा में डिक्लेयर करना पड़ता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए रेरा हर प्रोजेक्ट का एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करता है और बिल्डर को बुकिंग से जितना भी पैसा आता है उसका मिनिमम 70% पैसा उसको उस एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि प्रोजेक्ट की बुकिंग का पैसा प्रोजेक्ट के ही कंस्ट्रक्शन में लगता है और जिसके कारण आपको पोजीशन टाइम पे मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है एरिया टर्मिनोलॉजी, यानी कि बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, इन सब को लेके सबकी अपनी अपनी धारणाएँ थी। रेरा आने से पहले कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया की कोई डेफिनेशन नहीं थी और हर बिल्डर अपने हिसाब से 25-35% तक की लोडिंग दिखाता था। इनफैक्ट कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं जो 50% तक की भी लोडिंग दिखाते थे। नतीजा ये होता था कि ग्राहक को जो फ्लैट बिल्डर ने 1000 square feet का बता के बेचा वो हैंडओवर के वक्त उनको 500-600 square feet का ही मिलता था, क्योंकि कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया ये सब ग्राहक को समझ में आते नहीं थे।
और जब उनको हैंडओवर मिलता था तो वो अपने आप को चीट महसूस करते थे और उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि वो इसकी शिकायत करें तो कहाँ करें। अब रेरा ने कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया तीनों की डेफिनेशन एकदम क्लियरली डिफाइन कर दी हैं और ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको आपके एग्रीमेंट में या रजिस्ट्री में कारपेट एरिया ही मेंशन करना है। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट वरी कर सकता है, तो आप जिस भी स्टेट में हैं आपको अपना स्टेट का ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इक्वल इंटरेस्ट पेनल्टी क्लॉज आ गया है, यानी कि जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्डर हमेशा एक तरफा एग्रीमेंट बनाता था, सिर्फ अपने फेवर की बात एग्रीमेंट में लिखता था, ग्राहक का कोई फेवर की बात होती ही नहीं थी। तो अब फ़ायदा ये हुआ है रेरा के आने से कि गलती चाहे बिल्डर की हो चाहे कस्टमर की हो, सज़ा दोनों को बराबर मिलेगी। पहले बिल्डर की तरफ से अगर पोजीशन में डिले होता था तो कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं होता था, परंतु कस्टमर ने यदि पेमेंट करने में डिले कर दिया तो 12-24% तक की पेनल्टी चार्ज करता था बिल्डर। अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर बिल्डर भी पोजीशन में डिले करता है और अगर आपकी तरफ से भी कोई गलती होती है तो पेनल्टी दोनों को बराबर लगेगी। चौथा फ़ायदा आप लोगों के लिए ये है कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बिल्डर को एक लेना पड़ता है, यानी जब प्रोजेक्ट वो शुरू करता है, प्लानिंग स्टेज में होता है, तो बिल्डर ने जितनी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से परमिशन ली है, जैसे TNCP डिपार्टमेंट हो गया, बिल्डिंग परमिशन हो गया, या और भी कोई परमिशन जो भी बिल्डर को लेनी पड़ती है, बिल्डर को वो सारे सेंक्शन लेटर रेरा अप्रूवल के वक्त रेरा को देने पड़ते हैं और उसके बाद ही उनको रेरा का अप्रूवल मिलता है। अब आपके लिए इसमें फ़ायदे की बात ये है कि बिल्डर जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और आप बुकिंग करते हैं तो आपको ग्राउंड लेवल पे तो कुछ देखने को मिलता नहीं है, आप जो भी देखते हैं ब्रोशर देखते हैं, और ब्रोशर में बिल्डर आपको जो भी प्रोजेक्ट का लेआउट या यूनिट का लेआउट या और भी स्पेसिफिकेशन एमिनिटीज़ दिखा रहा है वो सब आप रेरा की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, और इससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है कि बिल्डर जो चीज़ बोल रहा है वही देगा या नहीं। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जैसा है वैसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बिल्डर को लेना पड़ता है कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जनरली इंजीनियरिंग की एक पूरी टीम आती है जो ये इंस्पेक्ट करती है कि बिल्डर ने रेरा में जो अप्रूव्ड लेआउट और प्लान दिए थे उसके हिसाब से एक्चुअल साइट पे कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और जब वो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाती हैं, सारे इंस्पेक्शन हो जाते हैं, उसी के बाद बिल्डर को मिलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और उसी प्रकार से जब बिल्डर कैंपस की या प्रोजेक्ट की कॉमन यूटिलिटीज़ जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, STP ये सब कंप्लीट कर देता है एज़ पर अप्रूव्ड प्लान, उसके बाद उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना रहता है, और आप प्रोजेक्ट की बुकिंग के वक्त बिल्डर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर बिल्डर ने अपनी बेनिफिट के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन लिया है तो वो आपको कोई भी पर्टिकुलर कागज देने से ज़रूर बचने की कोशिश करेगा। दोस्तों यहां मुझे एक पॉइंट और याद आया, आपको अगर याद हो तो रेरा आने से पहले ब्रोशर में हमेशा एक नीचे लाइन लिखी रहती थी, लेआउट एंड प्लान में चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। रेरा आने के बाद ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है आप लोगों को कि बिल्डर अगर एक्चुअल प्लान में कुछ भी चेंजेस करता है तो उसको कम से कम 2/3 लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो कोई डेविएशन ले सकता है प्लान में, स्पेसिफिकेशन में या एमिनिटीज़ में। तो दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में और सिंपल शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि रेरा के आपको क्या फ़ायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को अंत तक देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।